हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो अभी आई हूँ मैं मॉर्निंग वॉक से, और आज लेट हो गई थी। एक मन कह रहा था कि जाऊँ जाऊँ, फिर मैंने बोला नहीं, जब स्टार्ट किया है तो ईमानदारी से करना ज़रूरी है। तो मैंने बोला एक राउंड लेकर ही आ जाऊँगी। और अभी जब जा रही थी तो जाने के टाइम पर मैंने ये पपाया ना काट के गई थी। और ये रहता है कि आने के बाद चाय से पहले कुछ ना कुछ फ्रूट खा लूँ, ये नई नई आदतें सीख रही हूँ मैं। मतलब पहले करती थी, जब जिम वगैरह करती थी ना, तब जब प्रॉपर डाइट फॉलो करती थी तब तो ये सारी चीज़ें करती थी। अब कहीं ना कहीं शादी के बाद, फिर बच्चा और ये सब चीज़ों में फिर हो ही जाता है। तभी वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने बोला काट के जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि पहले भैया हस्बैंड का पहले लंच बना देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ, आयरन करना है कपड़े, फिर लड्डू को कुछ चाहिए, तो उन सब चीज़ों में फिर हो नहीं पाएगा। तो मैं काट के गई थी, और ऐसा करने से फिर आलस भी नहीं आता। तो अभी मैं कुछ भी करने से पहले 10 मिनट दूंगी। पपाया लड्डू को भी बहुत पसंद है, उसको भी देख के आई हूँ, वो बहुत अच्छे से खाता है, बहुत पसंद करता है। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगी और बाकी का काम ट्राई करूँगी। क्या बात है, चमक गए पूरे के पूरे, क्या बात है। चलो बाय 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 कह दो पापा को, बाय दुक्का। लिम्का 2 लीटर वाली, और ये 1-on-1 था। ये है बिस्लरी लिमनाटा। ये सब चीज़ें ना अच्छी खासी मिल जाती है वहाँ पे ऑफ़र में, तो जैसे कि ये एक पे एक था तो सही था। न्यूट्रेला के 3 पैक, रिफाइन ऑयल 5 पैकेट, हल्दीराम का एक नमकीन, पोहा, 5 kg शुगर, जीरा, कसूरी मेथी, राजमा, एक टॉप रेमन, एक मैक्रोनी, बटर, और ये चना, किशमिश, आमंड्स, एक रस्क, ये 2 लेके आए थे, एक खोल लिया हमने, यूज़ कर लिया, एक इमली का पैकेट, और एक ये पेपर, और ये हो गए अजवाइन पराठे वगैरह के लिए, अजवाइन 2 पैकेट, एक लोबिया का पैकेट, कुछ टॉफीज जो मतलब मैं हमेशा ही लेके आती हूँ जब भी जाती हूँ। ये लड्डू को भी पसंद है और हम लोग भी खाने के बाद इसको खा लेते हैं, अच्छा लगता है। ये वाली ऑरेंज कैंडीज होगी, और ये कच्चा मैंगो वाला कैंडी हो गया, एक लेमन भी आता है वो मिला नहीं, यही 3। एक ये वाला घी का पैकेट लेके आए, घी हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में था, लेकिन ये वाला लेके आए कि क्योंकि इसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वाला सही रहेगा तो ले आए। अदरवाइज़ अमूल का जो येलो वाला आता है ना पैकिंग में, वो वाला लेते हैं हम यूजली। तो एक ये पैकेट लिया था चिप्स का, ये एक पे एक फ्री था, ये लिया। एक ये चौकोस लड्डू के लिए एक ये लिया, ये भी एक पे एक फ्री था। ये कुछ और चीज़ें लड्डू के लिए, केक्स वगैरह, ये भी एक चीज़ बॉल्स है, ये भी एक पे एक फ्री था। सॉल्ट 2 पैकेट, छोले, बेसन, धनिया साबुत वाले, इसी को ही ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हम। ये एक और लड्डू का सामान, ये एक बड़ा सा मनेको का पैक, ये भी कुछ 100-100 का कुछ पैक मिल गया था, मतलब रेगुलर रेट से थोड़ा सस्ता था, तो ये भी ले लिया। एक ये लड्डू के लिए जो कि हमने खोल दिया है, ये 2 मस्टर्ड ऑयल जो कि हम लोग पूजा के लिए लेके आए हैं, पूजा वगैरह में चाहिए होता है, तो एक ये लेके आए। ये एक और लड्डू के लिए मोम का शैम्पू और सोप, विम लिक्विड, टूथपेस्ट, ऑयल, डिटर्जेंट, ये 10 kg का राइस जो कि हम 2 बैग लेके आए थे, एक डाल दिया है, एक हुआ बटर, और ना मैं ये भी पैक लेके आई थी। ये सब चीज़ें ना वहाँ पे इतने अच्छे मिल जाते हैं, ये बचपन में ना मैं बहुत खाती थी, और मैं लेके आई थी कि मैं लड्डू को दूंगी, लेकिन लड्डू से ज़्यादा मैं ही खाई जा रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये बचपन में आई एम श्योर आप लोगों ने भी खाया होगा, अगर खाया हो तो बताना, कॉमेंट करना, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होगी आई एम श्योर। कुछ कुछ चीज़ें ना मैं रख चुकी हूँ, शायद मेरे ख्याल से मैं पिकल वगैरह और एक्स्ट्रा लेके आई थी,
और इन सब के अलावा मैं लेके आई थी ये माइक्रोफाइबर क्लीनिंग टॉल्स जो कि 3 का सेट है, तो ये मुझे ठीक लगा, ये लेके आई हूँ। और इस बार ना मैं डिश वॉशिंग के लिए ना ये ग्लव्स भी लेके आई हूँ, तो ये मेरे को ठीक लगा, ये मैं कल से मतलब यूज़ कर रही हूँ और आज भी मैंने यूज़ किया थोड़ा सा, अभी मतलब पहली बार यूज़ कर रही हूँ ना तो थोड़ा ग्रिप बनाने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अच्छा है, मतलब नेल्स वगैरह थोड़े कम घिसते हैं, अच्छा है ये। और इन सब के अलावा रमेश ने कुछ शॉर्ट्स और कुछ टी शर्ट्स लिए हैं जो कि उसको रेगुलर पहनने के लिए काम आ जाएगा घर में पहनने के लिए। और एक शर्ट बहुत अच्छी मिल गई थी जो कि मतलब 500 के रेंज में था, जो कि आज वो पहन के गया है ऑफिस, तो वो हमें काफ़ी अच्छी लगी और पहनने के बाद भी रमेश के ऊपर अच्छी लग रही थी। ये था मेरा डीमार्ट का शॉपिंग हॉल जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सभी के साथ, तो अब मैं फटाफट इनको करूँगी ऑर्गेनाइज, बहुत सारा सामान हो गया और मेरे को पता नहीं मैं कैसे भी ऑर्गेनाइज करूँगी, अभी फ़िलहाल ठूस ठूस के रखना पड़ेगा और तरीके से रखना पड़ेगा ताकि टाइम पर चीज़ें मिल भी जाएँ। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और लड्डू अभी सोया हुआ है, जल्दी जल्दी निपटा लूँ, नहीं तो ये सब चीज़ें देखेगा ना तो वो भी जम करेगा इनके। तो चलो लगती हूँ मैं काम पे और फटाफट से लगाती हूँ चीज़ें, लेकिन सबसे पहले एक टॉफ़ी खा ली जाए लो आप लोग भी खा लो, अभी मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अब भी बहुत पसंद आएगी, दिया था मैंने लड्डू के लिए लेकिन मैं खोलती रहती हूँ फ्रिज और निकालती रहती हूँ एक एक करके। चलो बस सारी ग्रॉसरी को सेट करने के बाद मैं चली गई थी शार लेने, पूजा करके जस्ट अभी आई हूँ किचन में, तो यहाँ मॉम ने मसूर की दाल बना ली है और तड़का भी लगा दिया है और यहाँ मैंने ना सारे कट करके रखे हैं ताकि मॉम को इजी हो जाए। तो आज रमेश की फरमाइश में बन रहा है आलू गोभी की सब्ज़ी, कल सब्ज़ी लाया था तो स्पेशली लेके आया था वो कि गोभी बनाना, मम्मी बहुत दिन हो गए, तो यहाँ मॉम एक तरफ आलू गोभी को फ्राई कर रही है और एक तरफ प्याज को फ्राई करने के बाद और इसी में ही टमाटर वगैरह फ्राई कर लेंगी अलग से, और फिर जब अच्छे से आलू गोभी फ्राई हो जाएंगे ना और फिर वो जो फ्राई करे हुए अनियन और टमाटर है ना वो इसमें डाल के मसाले वगैरह डाल के अच्छे से चला लेंगी। तो इस तरीके से मॉम बनाती है, बहुत अच्छा बनता है। और ये गोभी के डंठल है जो कि हम अभी रख देंगे, कल बनाएंगे इसका चौचौड़ी टाइप कुछ बना देंगे। तो जैसे मैंने बताया बस यहाँ पे अलग से तड़का बन रहा है और इसको फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद आलू गोभी में अलग से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा चला लेंगे ताकि आपस में अच्छे से पक जाए। तो बस हमने राइस बनाए थे इसके साथ दाल और गोभी आलू की सब्जी के साथ, लेकिन रमेश की फरमाइश थी कि यार ये क्या बात हुई, चावल नहीं खाने, मुझे पराठे खाने हैं, तो फिर अलग से उसके लिए हमने पराठे बनाए हैं और आज साथ में है मिठाई मिल्क केक, तो रमेश के लिए लगा दिए हैं, हम लोग बाद में खाएंगे लंच अपना। लड्डू को सुलाने की कोशिश चल रही है, करो चोई चोई करो। अरे बाबू ले लो, चोई चोई करो, बाय बाय। अच्छा बाय कर ले, पहले ब्रर कर दो बहुत तेज, ठीक
बाय। तो फिर बाय करने की क्यों रहती है इतनी। तो लड्डू अभी सो के उठा है, 2-3 घंटे की नींद अपनी ले चुका है वो। और जब तक वो सो रहा था उस बीच मेरा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम हो गया, वो ये कि 3 दिन पहले ना मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था। नीचे का जो प्लेट होता है ना, अंदर का रोलर और वो सब होते हैं, वो टूट गया था। पता नहीं कैसे टूटा। अभी 2019 में ही लिया था मिड में, और पता नहीं कैसे जो भी है 3 दिन पहले ख़राब हुआ था। और पता नहीं मतलब कंप्लेन करने के बाद विजिट भी हुई, लेकिन वो पार्ट दूसरा लेके आया था। फिर मंडे को होगा, इसको होगा, उसको होगा, करते करते आज फाइनली हुआ। तो 3 दिन हो गए ये करते करते, और 3 दिन से ना मेरे कपड़े इतने इकट्ठे हो रखे थे। कुछ तो मैंने हाथ से धो दिए थे, लेकिन बहुत सारे तो अभी भी ऐसे ही पड़े थे। तो अभी मैं 2 राउंड्स लगा चुकी हूँ, सुखा चुकी हूँ। तो लड्डू जितना ही सो रहा था उस बीच मेरा ये काम हुआ, तो सही है। तो लड्डू अभी अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहा है, और अभी उसको फ्रूट्स काट के दिए हैं। मैं और मम्मी अभी चाय पियेंगे, यार थोड़ा सा लेट हो गए थे इसी में। और अभी फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा भी शाम की तैयारी करूँगी। शाम को मोस्टली रोटी बनती है, क्योंकि रमेश को रोटी पसंद है, और दोपहर को वो बस हमारी पसंद के लिए खा लेता है चावल। नहीं तो शादी से पहले वो चावल खाता भी नहीं था। उनके यहाँ पे कम बनते हैं चावल, इनफैक्ट बनते ही नहीं है। हाँ बनते ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। तो बस आज का व्लॉग फिर मैं यही एंड करती हूँ, शाम की तैयारी करूँगी। तो आप बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, कल के व्लॉग में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मतलब कमेंट्स करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार ना मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और आप लोग ही मतलब थोड़ा सराहेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो सच में परसों मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को आपके काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही साथ रहना मेरे हमेशा। तो चलिए आज का व्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।